हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेवा में श्री एस सिद्धार्थ जी अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग बिहार पटना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं अपना TRE 3 से संबंधित भी अपडेट प्रोवाइड करूंगा चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि दुर्गा पूजा की छुट्टी में कितनी बढ़ोतरी और आगे की है और क्या क्या अपडेट है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ लिखा है कि सबने निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि TRE 3 की परीक्षा जुलाई 2024 में हुई, लेकिन अब 3 माह बीतने के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। प्राप्त समाचार पत्रों के माध्यम से 50% के आरक्षण के आधार पर नए रिक्ति रोस्टर फाइनल करने में, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आरक्षण नीति के आधार पर लिखा है कि नए रिक्ति रोस्टर फाइनल करने में सिंचाई विभाग के द्वारा विलम्ब किया जा रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जल्द रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन कराते हुए। तो कहीं ना कहीं TRE 3 रिजल्ट को लेकर एक बड़ा लेटर यहाँ पे सामने उभर के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जल्द रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन ना कराते हुए आयोग को सौंप देंगे। TRE 3 का लिखा है कि जल्द जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रकाशित जो है वो हो सकता है। कोशिश जो है वो की जा रही है, आप देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और लिखा है कि इस कार्य हेतु सभी शिक्षक अभ्यर्थी सदैव आभारी रहेंगे। विश्वासभाजन TRE 3 के शिक्षक अभ्यर्थी प्रतिलिपि यहाँ पे दी गई है। और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार, माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार सरकार सभी लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं लिखा है कि DEO बिहार महोदय से गुहार लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये मांग की गई है। दूसरी ओर TRE 3 के फाइनल माध्यमिक का फाइनल आंसर की आज जारी हो सकता है, रात 9 बजे तक जारी होगा आंसर की। BPSC के अधिकारियों ने आज जारी होने की जानकारी दी है और आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 11वीं 12वीं का आंसर की 8 अक्टूबर तक जारी होगा। वेबसाइट पर शाम के बाद नज़र अपना बनाए रखिए, बात कही जा रही है। दूसरी ओर 65% आरक्षण पे आज फिर से ये मामला जो है वो एक्शन में था, लेकिन फिर भी पेंडिंग में इसे डाल दिया गया। दूसरी ओर मैं आपको पूरा का पूरा अपडेट प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ते हैं चैनल के माध्यम से और आगे भी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। आप देखते रहिए क्या कुछ बातें यहाँ पे और आगे लिखी हैं। कशिश न्यूज से खबर आ रही है, देख सकते हैं कि बिहार में दुर्गा पूजा के मौके पर साल 2022 तक स्कूलों में लागू छुट्टी को बहाल करनी चाहिए। गेस्ट टीचरों को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता है। संजीव कुमार सिंह MLC ने बिहार में दुर्गा पूजा के मौके पर साल 2022 तक स्कूलों में लागू छुट्टी को बहाल करनी चाहिए, यानी कि जो पहले कहा गया था कि वह छुट्टियां जो दी जा रही थी वही छुट्टी जो है वो दी जाए, तो मांग की गई है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अच्छी खबर आ रही है भाई सामने निकल के। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक बार फिर से दुर्गा पूजा में वही छुट्टियाँ मांगी गई है यहाँ पे, जो कि पहले हो रही थी, और उतनी ही छुट्टियों को बढ़ाने की बात जो है वो कही जा रही है। तो 2022 तक जो स्कूलों में छुट्टियां थी उसे ही बहाल करने की मांग है। तो आप सभी के समक्ष आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से दुर्गा पूजा की छुट्टी जो है वो बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। लगातार हम आप तक खबर जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।